फरमा रहे थे कि मेरे घर हमारे बच्चों से जाके बात करें कि इनका किबला सही हो, क्योंकि मियां बीवी इनकी सबकी यही है जो आपकी। तो मैं सोचता हूँ कि आ रहा था कि मैं इन बच्चों से क्या बात करूं क्या बात करूं, तो वो जई साहब की बात से मुझे एक जैसे राह मिल गई कि मैं आपसे ये बात करूं कि उनकी बात बिल्कुल सही थी। हमारा असल में किबला जो है वो दाएं बाएं हुआ है, मुझे कहते हैं ना मतलब लेमैन लैंग्वेज में फर्मा टेढ़ा है, चीजें आउट ऑफ प्लेस। ये चीजें ठीक हो जाएंगी तो गाड़ी बिल्कुल ठीक चढ़ने लगेगी, जिस स्पीड पर चलाना चाहेंगे चलेगी, नफा होगा। चीजें आउट होगी तो खुदा ना करे ब्रेक लगेगी तो क्या होगा, गाड़ी स्लिप हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो मेरे अजीज दोस्तों, इसके लिए ये समझना जरूरी है कि अल्लाह ने हमें इस दुनिया में भेजा क्यों, ये सबसे जरूरी बात। ये जरूरी इसलिए है कि मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि मैं कॉन्सर्ट क्यों आया हूं, तुम्हारे लिए जानना जरूरी है कि तुम कॉन्सर्ट क्यों आए हो, ये बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पर पहली बात तो ये कि गेट के अंदर ही नहीं घुसने देगा आपको, गाड़ी नहीं घुसने देगा अगर आपको ये नहीं पता अभी हम क्यों आए। पूछे भाई सर किससे मिलना है, पता नहीं, कहां जा रहे हैं पता नहीं, कौन है आप पता नहीं, वो कहेगा ठहरो पहले, वो दूसरे को बुलाएगा यार जरा इसको साइड पर ले जाओ, जरा किसी पागल खाने में इसको जमा कर दो, इसे ये नहीं पता कि हम क्यों आ रहे हैं। यस नो आईडिया, यहां आने से पहले आपने यहां आने की मेहनत की, यहां आने से पहले आपने इधर आने की मेहनत की, एग्जाम लिया है, प्रिपेयर हुए हैं, और कई लड़कों ने दिया होगा, 7-8 हजार स्टूडेंट्स ने दिया होगा, 6 हजार स्टूडेंट्स ने दिया होगा, इसमें से गिने चुने कुछ यंगस्टर्स जो है वो सिलेक्ट हुए हैं, और जो यहाँ का जो 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 एडमिनिस्ट्रेशन है उसने फ्रॉम अपनी एबिलिटी टू देयर बेस्ट एबिलिटी दे हैव पिक्ड अप द बेस्ट स्टूडेंट्स एवर। So you guys are the brains of this area. इनके पॉइंट ऑफ व्यू से आप बेहतरीन सलाहियत रखते हैं एक अच्छा आईटी इंजीनियर बनने का। आपको इन बातों का ख्याल भी नहीं आया होगा, लेकिन जो 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 आपकी जो जो फैकल्टी है वो इसी दिमाग से चल रही है। वी नीड द बेस्ट ब्रेन्स to get the best IT engineers. Why? So that कल को पूरी की पूरी दुनिया में यह बात प्रूव हो जाए कि यह कॉमसैट जो है ये एक बेहतरीन इंस्टीट्यूशन है पूरी दुनिया में अंदर आईटी इंजीनियर्स बनाने का। अगर आप अपने टीचर से पूछेंगे तो आपको बताएंगे यही हमारा मकसद यहां पर काम करने का। इसी तरह मेरे दोस्तों, इंसानों का इल्म इंसानों को नहीं बताता कि वो दुनिया में क्यों आए, ये समझने की बात। इंसानों का इल्म इंसानों को नहीं बताता, क्योंकि इंसान चलता है अपने तजर्बे पर। इंसान किस पर चलता है, अपने तजर्बे पर। थोड़ी सी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर तुम लोग भी बैठ जाओ मेरे प्यार, आप लोग भी बैठ जाओ, ये मैं भी डिस्ट्रैक्ट होता हूँ इन चीजों से और ये बच्चे भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं। चलो अब कोई नहीं उठेगा यहां से, ठीक है ना, कोई किसी को कहेगा अब आपने उधर बैठना है उधर बैठना है, ये काम भी मुझको छोड़ दो। और जो लोग यहां पर क्या कहेंगे, जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं क्या कर रहे हैं ऑर्गेनाइजर्स, अब मैं अकेला ऑर्गेनाइजर हूं, कोई ऑर्गेनाइजर नहीं, तो अब सब बैठ के बात सुनेंगे ताकि मेरे इधर आने का मकसद पूरा हो सके, ठीक है। सब बैठ जाए, किसी ने किसी को डायरेक्ट नहीं करना कि तुम उधर जाके बैठो उधर जाके बैठो उधर जाके बैठो, प्लीज अल्लाह की बात सुनने की जरूरत सबको है। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में लगे रहेंगे तो 2 घंटे या 1.5 घंटे जितनी देर हमारी बात होगी कुछ पता नहीं चलेगा, और आपस में भी अब बात ना करें बिल्कुल। ये अल्लाह की बात है, बादब बानसी बेअदब बेनसी, ठीक है। अब बात सुननी है आप लोगों, अब मेरी तरफ कोई कैमरा भी नहीं करना और कुछ फ्लैश नहीं करना, फिर आप ही नीचे कर दो, ठीक है। मैं भी नहीं बात कर सकता, मैं भी भूल जाता हूं क्या बात कर, जितनी आपकी तवज्जो होगी उतनी बात मेरे अंदर से निकलेगी, आपकी तवज्जो बढ़ जाएगी मेरे से बात नहीं हो सकेगी। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था,
इंसानों के बनाए जो उलूम है ना, उनकी बुनियाद तजर्बों पर, एक्सपेरिमेंटेशन पे। आपकी जितनी स्टडीज हैं, दे आर ऑल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। यही वजह है फ्रॉम टाइम टू टाइम पुरानी टेक्नोलॉजीज जो है वो रिडंडेंट होती जाती, बेकार हो जाती। ठीक है, नील बोर ने जो आकर बात की उसको स्टीफनसन ने कहा नहीं ये सही नहीं है, स्टीफनसन ने जो आके बात की उसको आइंस्टाइन ने कहा नहीं ये ठीक नहीं है। आइंस्टाइन उससे पहले सारी की सारी जिंदगी न्यूटन के लॉज पर चल रही थी, आइंस्टाइन ने आके न्यूटन के लॉज भी दायर कर दिए। ठीक, आने वाले वक्तों के अंदर साइंटिस्ट ने बोल दिया नहीं भाई आइंस्टाइन भी ठीक नहीं है, ये बात ऐसे है, अब ये बात यूं पढ़ाई जाएगी। अब स्टीफन हॉकिंस ने आकर कहा नहीं जो बात तुम लोग भी कह रहे हो ये भी गलत है, उसके बाद वालों ने कहा नहीं जो स्टीफन हॉकिंस ने कहा ये भी गलत है। अब ये बात तजर्बों पर चलती जा रही है और वही हम सबको पढ़ाई जा रही है। तो हमारी जितनी भी स्टडीज हम करते हैं, चाहे उसका ताल्लुक मेडिसिन से हो, चाहे उसका ताल्लुक इंजीनियरिंग से हो, चाहे उसका ताल्लुक लॉ से हो, किसी चीज से भी हो, उन तमाम चीजों का ताल्लुक इंसानी तजर्बात से। इसीलिए हम उसको इल्म नहीं कह सकते, इसीलिए जो आप हासिल कर रहे हैं ये तालीम नहीं है, आप दुनिया के फनून हासिल कर रहे हैं दुनिया कमाने की लत से। इल्म और तालीम का ताल्लुक बराहरास्त अल्लाह की जात से होता है। ठीक है, इल्म वो लाइन है जो इंसान को बराहरास्त अल्लाह से जोड़ देती है। ठीक है, आपकी जितनी भी तालीम है ये आपको उन प्रोफेसरों से, उन टीचरों से, उन साइंटिस्ट से ले जाके तो जोड़ देगी जिनकी किताबें आप पढ़ रहे हैं, लेकिन ये आपको अल्लाह से नहीं जोड़ेंगी। अल्लाह से जुड़ने का ये जरूर ख्याल आएगा कि भाई ये तो हम अल्लाह ही की चीजें पढ़ रहे हैं, लेकिन बाहर हाल आप अल्लाह से नहीं जुड़ रहे, आप जुड़ रहे हैं उन लोगों से जिनकी किताबें आप पढ़ रहे हैं। तो ये धोखे में नहीं रहना कि ये मैं तालीम हासिल कर रहा हूं, ये तालीम नहीं है। तालीम का ताल्लुक इल्म से, इल्म वो लाइन है जो इंसान को बराह रास्त, बीच में कोई वास्ता नहीं, बराह रास्त अल्लाह से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ये उम्मत जो है, ये उम्मत सारी की सारी इंसानियत तक अल्लाह का इल्म पहुंचाने के लिए भेजी गई है। इस उम्मत की जिम्मेदारी जहाज बनाना, गाड़ियां बनाना, कंप्यूटर बनाना, फोन बनाना, फला बनाना, फला बनाना नहीं है, बल्कि इस उम्मत की जिम्मेदारी है कि सारी की सारी इंसानियत की रूहानी और इखलाकी सतह ऊंची हो। इसी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे बारे में फरमाया कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, क्योंकि तुम लोगों पर उस लाइन की मेहनत करते हो जिस लाइन की मेहनत और कोई नहीं कर सकता। कुंतुम खैरा उम्मा, तुम बेहतरीन उम्मत हो। उखरिजत लिन्नास, तुम्हें सारी की सारी इंसानियत के नफों के लिए हमने निकाला है, घरों से निकाल दिए गए हो। मेरा फिरना भरना बहुत होता है, तो एक हमारा तजर्बा है वो ये कि मुसलमान दुनिया के हर कोने में मिलेंगे, बाकी मजाहिब के लोग आपको पॉकेट्स में मिलेंगे, हिंदूज आपको ज्यादा इंडिया में मिलेंगे, क्रिश्चियंस आपको ज्यादा वेस्ट में मिलेंगे, जूस आपको एक और पॉइंट पर मिलेंगे, ठीक है, और बुद्धिस्ट आपको कहीं और मिलेंगे, लेकिन पूरी की पूरी दुनिया के ऊपर आपको जिधर भी जाएंगे मुसलमान जरूर मिलेगा। क्या वजह है? उखरिजत लिन्नास के जुमरे में अल्लाह ने उनको सारी की सारी दुनिया के अंदर फैला दिया है। क्यों? क्योंकि जो नफा मुसलमान दे सकता है इंसानियत को, वो नफा इंसानों के अलावा मुसलमानों के अलावा कोई नहीं दे सकता। चीजों का बनाना ये इंसान की दुनिया की जरूरियात तो पूरी कर सकती है, लेकिन उसके दुनिया में भेजे जाने के मकसद को नहीं हल कर सकती। अब वो मकसद क्या है? जैसे मैंने बात शुरू की, वो मकसद ये है कि वो मकसद इंसानों की दुनिया की तालीम इंसान को नहीं बताती। क्योंकि मैंने क्या कहा था कि दुनिया की जो फनून है इनका ताल्लुक किस चीज से है? इंसानी तजर्बात से। वही का इल्म है जो इंसान को बताता है कि तुम दुनिया में क्यों भेजे गए। यहां आके बात एकदम सीरियस हो जाती है। वही का इल्म, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उम्मी थे, पढ़े लिखे नहीं थे ना, आप तो लिख भी नहीं सकते थे, तो पढ़ना तो महाल है। तो उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, उसके बावजूद जब अल्लाह ने दुनिया में इल्म बांटा तो उसके 100 हिस्से किए बच्चों, कितने हिस्से किए? 100। एक हिस्सा दिया सारी इंसानियत को और 99 हिस्से दिए जनाबे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
99 हिस्से रसूलुल्लाह को दिए, वो तो पढ़े लिखे नहीं थे और न लिखना जानते थे ना पढ़ना जानते। लेकिन इल्म जैसे मैंने कहा कि वो लाइन है जो इंसान को बराह रास्त बंदा से मिलाती है। तो अंबिया को तो अल्लाह रब्बुल इज्जत बगैर मेहनत के दे देते हैं, दुनिया के अंदर लोगों को इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। यही वजह है कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा ना जाओ फिरौन के पास और जाकर उसको मेरा पैगाम दो, तो उन्होंने पहली दुआ की रब्बिश रहली सब्री, या अल्लाह तू मुझे भेज तो रहा है लेकिन मैंने उनको बात क्या कहनी है, वो तो मुझे शरा सदर कर। रब्बिश रहली सब्री, मेरे दिल के अंदर वो बात उतार। वयस्सिर ली अम्री, और जिस काम के लिए तू भेज रहा है मुझे, मेरे उस काम को आसान कर, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। वो नबी थे तो वो जानते थे कि लोगों की जिंदगियों को बदलना एक मुश्किल काम है। मैं भी यहां पर मेरे बस में नहीं थे तो मैं से एक को भी दो रकात नमाज पढ़वा सकूं, ये तो मैं अभी आपसे बात करूंगा, रात को उठ के मुझे अल्लाह से दुआ करनी है, ए अल्लाह मेरे काम को आसान कर। जिन लोगों में मैंने बात की अल्लाह उनके दिलों को नरम कर ताकि ये बात उनके दिलों में उतर जाए। वयस्सिरली अम्री, तो मूसा अलैहिस्सलाम क्या दुआ कर रहे हैं, पहली रब्बिश रहली सदरी, या अल्लाह प्लीज पहले मुझे मेरे दिल में उतार मैंने बात क्या करनी है। वयस्सिरली अम्री, फिर मेरे इस काम को आसान कर के मैं जिससे बात कर रहा हूं मेरी बात भी सुन। मूसा अलैहिस्सलाम ये दुआ कर रहे हैं, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, उनके लिए क्या फरमा रहे हैं, ऐ मेरे नबी जी, ऐ मेरे नबी, क्या मैंने आपके सीने को सीने के अंदर ये बात पहले से नहीं उतार दी। वो तो दुआ कर रहे हैं, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, ऐ मेरे नबी, क्या मैंने आपके सीने के अंदर वो बात पहले से नहीं उतार दी जिस बात को आपने आगे पहुंचाना है। वबदअना अनका विदरा, और मैंने आपके इस बोझ को आसान नहीं कर दिया। वही दो दुआएं जो मूसा अलैहि सलाम ने मांगी अल्लाह से, अल्लाह पाक फरमा रहे हैं आप फिक्र ना करें, मैंने पहली बात तो ये कि आपके सीने को पहले से शरा सबर कर दिया है कि आपने बात क्या करनी है, और वो बोझ जिसकी वजह से आप घबरा रहे हैं और आपको लग रहा है कि मेरी कमर टूट जाएगी, वो बोझ भी मैंने आप पर आसान कर दिया। अब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो 63 साल की उम्र में दुनिया से पर्दा फरमा गए, और आपकी शरीयत ने चलना है क्यामत तक, आपको तो गए भी 1400 साल हो गए। अब अल्लाह के यहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बाद कोई मैंडेट ऐसा नहीं है जो कि लेके हम अल्लाह के पास जाएं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा, और अल्लाह पाक उस पर जन्नत दे। जन्नत की कुंजी किसके हाथ में है, रसूलुल्लाह के हाथ में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जितने उम्मती हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उन सब के सीनों को अल्लाह ने खोल दिया है हक बात के समझने के लिए, और अब वो इस बात को आगे लेकर जाएं और लोगों तक इस बात को पहुंचाएं और लोग इनकी बात पर लब्बैक कहें, ये भी अल्लाह ने आसान कर दिया। जो दुआ मूसा अलैहि सलाम ने अल्लाह से मांगी कि मेरे सीने में इस बात को डाल, नबी ने जिस बात को मांगा और नबी ने जिस बात की आसानी के लिए अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ने इस उम्मत के लोगों के सीने में उस बात को पहले से डाल दिया और हमारे इस काम को भी आसान कर दिया। अब ये उम्मत किसी और काम को करेगी तो उसमें जरूर फेल हो सकती है, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएगी तो कभी नाकाम नहीं हो सकती। अब देखो काम क्या दिया है और कर क्या रहे हैं, काम हमें क्या मिला है और हम कर क्या रहे हैं। हम तो भेजे इसलिए गए हैं कि लोगों के की रूहानियत हमारी वजह से बढ़े, हम तो भेजे इसलिए गए हैं कि लोगों के अखलाक हमारी वजह से अच्छे हो जाएं, हम तो भेजे इसलिए गए हैं कि लोगों के मामलात हमारी वजह से अच्छे हो जाएं, हम तो भेजे इसलिए गए हैं कि लोगों की माशरत हमें देख के ठीक हो जाए,
यही वजह थी कि जब सहाबा कराम से वो पूछता था ना कि भाई तुम्हारा कुरान किधर है, तो किसी ना किसी सहाबी की तरफ इशारा करते थे, वो रहा हमारा कुरान, जाओ उसके पास जाओ तुम्हें हमारा कुरान मिल जाएगा। अगर आज हमें कोई कहे कि तुम्हारा कुरान किधर, हम कहते भाई मस्जिद जाओ वहां जाकर देखो तुम्हारा कुरान। लेकिन सहाबा में ऐसा नहीं था, उनकी पूरी की पूरी जिंदगी वो एक दूसरे को जब वो जाते थे ना किसी को दावत देने के लिए, जैसे मैं भी आपके सामने बड़ी लंबी लंबी तकरीरें कर रहा हूं आकर और हमें बयान करने पड़ते, वो जाके लोगों को कहते थे लना, हमारी तरह हो जाओ बस, वाह क्या बात, हमारी तरह हो जाओ, हम कह सकते हैं। तो अब ये हमारा सबसे बड़ा गेज है कि आज मेरी अल्लाह के सामने क्या हैसियत है, कि अगर कोई साथी मेरे सामने आए मुसलमान गैर मुस्लिम और वो मेरे से पूछे भाई आप क्या बात करें, मैं क्या करूं, तो आप कहें उसको मेरी तरह हो जाओ, फिर अपनी जिंदगी को गेज करूं मैं कि क्या मेरी जिंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से मेल खा रही है, अगर नहीं खा रही तो फिर अगर मेरी मौत का वक्त आ गया और मैं दुनिया से मेरे जाने का टाइम आ गया और मेरा कुल मौत आ गया, चल भाई तेरा टाइम खत्म, तो क्या मैं जाने को तैयार हूं, और अगर मैं जाने को तैयार नहीं हूं तो इसका मतलब है कि मैं अल्लाह की मुलाकात का मुझे कोई शौक नहीं, और जो अल्लाह से मुलाकात का शौक नहीं रखता तो अल्लाह भी उससे मुलाकात का शौक नहीं रखता, इसका मतलब है अल्लाह भी मुझसे नहीं मिलना चाहता। ये क्या जिंदगी है, जैदी साहब हमसे हैं नाखुश और हम इस इंस्टीट्यूट पर पढ़ रहे हैं, वो हमसे नाराज हैं और हम इस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं। अब पढ़ने वाला किस दिल से पढ़ रहा है, अगर तो दो ही सुनते हैं, अगर तो थोड़ा सा जमीर जिंदा है उसके अंदर तो वो पूरी कोशिश करेगा कि मैं उनके तरीकों पर आ जाऊं जैसे वो चाह रहे हैं वैसा हो जाऊं, और अगर बेगैरत है जैसे कि यहूद नसारा बाकी सारे वो कहते हैं यार अगर हम इतनी बुराई कर रहे हैं तो इतनी क्यों करें, हम इतनी करेंगे क्योंकि हमने तो उस रब के पास जाना ही नहीं, हम तो उससे मिलना ही नहीं चाहते ना, हमें उसकी जन्नत चाहिए, और हमने जब माननी ही नहीं सदी साहब की बात तो फिर मैं इतनी बात का क्यों इनकार करूं, मैं इतनी बात का इनकार करूं। तो दो सूरतें हमारे पास, इसी यही दो सूरतें ऐसी अल्लाह के सामने मेरे अजीज दोस्तों कि सारा का सारा कुरान इन्हीं दो चीजों पर भरा है, सारा कुरान का जो मतन है वो इन्हीं दो चीजों पर है, फर्माबरदार जिंदगी गुजारता है ना फरमान जिंदगी गुजारता है, बस तौहीद में भी इसी का जिक्र, रिसालत में भी इसी का जिक्र, आखिरत में भी इसी का जिक्र, जो अल्लाह की मानता है वो जिंदगी यूं गुजारते हैं, जो अल्लाह की नहीं मानते जिंदगी यूं गुजारते हैं, मेरे नबी जो तुम्हारी बातों का इनकार करते हैं वो जिंदगी यूं गुजारते हैं, जो मानेंगे वो जिंदगी यूं गुजारेंगे, आखिरत में जन्नत है तो वो यूं है, दोजख है तो वो यूं है, बस। ये पूरे के पूरे कुरान का मेरे अजीज दोस्तों नचोड़ है, सारी हदीसों का ये तीन चीजें नचोड़ है, जितनी आज तक आदम अलैहि सलाम से लेकर आज दिन तक जितने इंसान दुनिया में आए अल्लाह के सामने, बस अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके सामने यही तीन चीजें रखी, अपनी बड़ाई रखी, वक्त के नबी की शरीयत को रखा और कहा कि इनके सामने आखिरत को खोलो। अब जब तक ये तीन चीजें दिन और रात हमारी आंखों के सामने नहीं होंगी हम अल्लाह के हुक्मों पर नहीं आ सकते, बस जैसे ही अल्लाह के हुक्मों से जिंदगी साइडवेज हुई बस मेरे बच्चों फिर हालात शुरू हो जाते, हालात आना शुरू हो जाते हैं, कभी किसी सूरत में आते हैं, कभी अर्थक्वेक आ जाएगा, कभी वबा फैल जाएगी, तीन तरह से अल्लाह की तरफ से तीन जगहों से हालात आते हैं, आसमान से आते हैं, फिर जमीन से आते हैं, फिर जमीन के नीचे से आते हैं, बरकतें आती हैं वो भी ऊपर से आती हैं, वो भी बीच में से आती हैं और वो भी जमीन के नीचे से आती हैं। आसमान से हालात क्या आए, अल्लाह पाक बारिश तब भेजेंगे जब हमें बारिश की जरूरत होगी, बारिश को रोक देंगे जब हमें बारिश की जरूरत नहीं होगी। जमीन पर हालात क्या है, लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, फरमाबरदार होंगे तो मोहब्बत करेंगे, नाफरमान होंगे अल्लाह आपस में खाना जंगी डाल देंगे, एक दूसरे की जान के तरफे होंगे, वजह कोई भी बन जाएगी, वजह कोई भी बन जाती है, लेकिन ये अल्लाह के अजाबात की सूरतें हैं। अब ये पता चल रहा है कि ये नीचे वाले अब बात मानने को तैयार नहीं,
तो ये अजाब की सूरतें हैं अल्लाह के, अल्लाह की तरफ से। वबा फैल जाएगी तो बीमारी फैल जाएगी, और उस बीमारी से चलते रहेंगे, उसको तकलीफें चलती हैं। और वबा ऐसे नहीं फैलती, वो अल्लाह पाक उसको प्रोलॉन्ग करते हैं, वो प्रोलॉन्ग आती रहती हैं कि जब तक ये तौबा नहीं करेंगे, जब तक ये तौबा नहीं करेंगे, जब तक ये तौबा नहीं करेंगे। जब तौबा नहीं करते फिर अल्लाह पाक उस वबा को खत्म कर देते, चलो इसको खत्म करो, इससे बड़ी मुसीबत भेजो इनको, शायद अब बात मान ले, ठीक है। उस पर भी नहीं मानते तो अल्लाह पाक कहते हैं इसको भी खत्म करो, अब इससे भी बड़ी भेजता हूँ, ये शायद अब मान ले, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ अल्लाह की अजाब की सूरत, और जमीन के नीचे से भी आती है, कभी आएगी फ्लड की सूरत में आ जाएगा, कभी आ जाएगा अर्थक्वेक की सूरत में आ जाएगा, कभी लावा बाहर निकल आएगा। पिछली कौमों को जो तबाह किया वो इसी तरह तबाह हुआ, ठीक है। लेकिन कुर्बान जाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपने आखिरी हज में अल्लाह से तीन में से दो बातें मनवा ली। पहली बात ये आपने मनवाई कि या अल्लाह मेरी कौम पर कभी ऐसा अजाब ना भेजना, उम्मत पर ये सारी की सारी उम्मत खत्म हो जाए, इनको इन पर ऐसा ना भेजना। तो अल्लाह पाक की तरफ से जवाब आया, जब तक आप मौजूद हैं तब तक तो इन पर कोई अजाब नहीं आएगा, आने वाले वक्तों में भी अगर ये तौबा करेंगे तो इनको माफ कर दूंगा। ये किसी पिछली उम्मत को अल्लाह की तरफ से ये फजीलत नहीं मिली। जब मूसा अलैहि सलाम की कौम ने बछड़े के सामने सजदा किया, वो आपको वाकया पता है सबको, उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। मूसा अलैहि सलाम तू से वापस आए, हाथ के अंदर वो 10 कमांडमेंट्स थी। जब आपने लोगों को सजदा करते देखा तो आपने वो जो फटी थी ना 10 कमांडमेंट्स, वो खाके नीचे फेंक दी। जब क्यों फेंकी ये भी समझने की जरूरत है। इसलिए फेंक दी कि जब दिल नरम ना हो तो अल्लाह की बात सुनने को कोई तैयार नहीं होता। मैं भी आपके सामने अल्लाह के अहकाम नहीं बयान कर रहा, मैं भी फिलहाल आपके दिलों को नरम करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है अहकाम अल्लाह के आपको मालूम है कौन से हैं। मैं भी आपके सामने नहीं कह रहा कि भाई आज से हर बंदे ने सर पर टोपी रखना है, मैं नहीं रख रहा, मैं नहीं कह रहा आपको, मैं तो फिलहाल आपके दिलों को नरम करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे पता है दिल नरम होगा तो टोपियां आप ही जानते हैं सर पर रखनी चाहिए, खुद बखुद आ जाएंगी, ठीक है। मैं भी आपसे नहीं कह रहा भाई कुरान पर हाथ रख के बताओ कल से नमाज कौन पढ़नी छोड़ेगा, जी सब पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, कुरान पर हाथ रख के बताओ, मैं भी आपसे नहीं करवा रहा। क्यों नहीं करवा रहा? क्योंकि मुझे पता है कि एक बार आपके दिल नरम हो जाएंगे तो आप खुद बखुद पढ़ने लगेंगे। तो मूसा अलैहि सलाम ने कहा ये तो बछड़े के सामने सजदा कर रहे हैं, इनके सामने मैं अभी अल्लाह की बात करूं क्या फायदा, उन्होंने भाग के फट्टी नीचे दे दी, अब मैं नहीं बताऊंगा कुछ। अब अल्लाह से माफी मांगना शुरू की, पहले अपने भाई की दाढ़ी पकड़ ली, तूने इनको क्यों करने दिया ऐसे। इस वाक्य में अजीब अजीब बनते हैं। तो उसने कहा बात के हारून अलैहि सलाम ने कहा मुझे ना पकड़ो, बात यह है कि अगर मैं इनके सामने खड़ा होकर उस वक्त ये कहता कि ये ना करो तो इनमें भी आपस में दो धड़े बन जाते, आपस में इख्तलाफ शुरू हो जाते, मारामारी शुरू हो जाती। तो मैंने कहा मारामारी ना हो तो मैंने कहा ठीक है अभी की करते हैं, और मुझे पता था तू आ जाएगा बाद में तो हम अब मिलकर इनसे बात करेंगे। तो सबसे जरूरी और अहम चीज क्या है कि आपस के अंदर मारामारी ना हो, आपस में क्या ना हो, मारामारी ना हो, तकरारत ना हो, ये सबसे जरूरी चीज है। यही वजह है कि अगर उम्मत में जब शदीद नाफरमानियां भी चल रही होती हैं तो अगर कोई खड़ा होकर कहे ना कि यूं ना करो, यूं ना करो, यूं ना करो, लोग उसको मारने लगेंगे, जान से मार देंगे उसको। इसलिए हमारे बड़े कहते हैं कि जब दावत भी दी जाए तो प्यार मोहब्बत और हिकमत बसीरत से दी जाए। तो मूसा अलैहि सलाम ने अब अपनी कौम को बुलाया और उनको समझाया कि तुमने क्या किया। थोड़ी देर में बात करने के बाद उन्हें समझ में आ गया, रोने लगे, कहा जी अल्लाह से माफी मांगा ना, इनकी माफी नहीं होगी। अब मूसा अलैहि सलाम बहुत रोए, 5.5 लाख के करीब थे ये लोग, 5.5 लाख थे, सिर्फ 12-15 हजार ने सजदा नहीं किया, बाकी सारी कौम ने बछड़े के आगे सजदा कर दिया। हालांकि अभी उनको सबको दरिया नील से बचा के लेकर आ रहे हैं, फिरौन की पूरी फौज से बचा के लेकर आ रहे हैं, और उन्होंने देखे मुअज्जे, लेकिन फिर भी जब दावत नहीं चलती ना तो दीन निकल जाता है जिंदगी से। जब दावत का अमल नहीं चलता तो फिर ये होता है दीन निकल जाता है, फौरन निकल जाता है जिंदगी से। इसलिए तबलीग वाले आपके पीछे भागते हैं कि अगर दावत निकल गई सब दिन निकल जाएगा, फिर से फारिग हो जाएंगे, 0/0 हो जाएंगे। तो बहुत दुआएं की आखिर अल्लाह पाक ने फरमाया 40 दिन तक इस्तिग़फ़ार करती रही मूसा अलैहिस्सलाम की कौम।
हम तो एक बार अल्लाह को कह दे ना, या अल्लाह माफ कर दे, सारे हालात उसी लम्हे ठीक हो जाए। एक बार अगर हम कह दें अल्लाह मुझे माफ कर, तो सब साफ। वो 14 डेज तक इस्तगफार करते रहे। आदम अली सलाम ने 40 साल इस्तगफार, 40 साल बेटों ने कहा आपने, और इतना रोते थे कि जहां रोते थे वहां सब्जा उग के आ गया। कहते हैं जितनी इस्तगफार आदम अली सलाम ने की है अपने उस गुनाह पर, क्यामत तक सारी इंसानियत अल्लाह के आगे इतना नहीं रो सकती जितना आदम अली सलाम रोए। और बाद में बेटों से कहा बेटा तेरे बाप से एक गुना हुआ, 40 साल में इस्तगफार करता है। एक उम्मत आने वाली है आखिरी नबी, वो गुनाह करके माफी मांगेंगे अल्लाह उनको माफ करेगा, फिर गुनाह करके माफी मांगेंगे अल्लाह माफ करेगा, यहां तक कि वो गुनाह पे गुनाह करके माफी मांगेंगे अल्लाह उनको माफ करेगा। अब मूसा अलैहि सलाम ने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह मेरी कौम बख्श दे, मेरी कौम बख्श दे, मेरी कौम बख्श दे। आखिर में ऐलान हुआ बख्शे तो जाएंगे, बख्श देंगे, लेकिन जिस जिसने बछड़े के आगे सजदा किया है उन सबकी गर्दनें उतारनी पड़ेगी। तो इनकी इस्तगफार कबूल हो गई। मूसा अलैहि सलाम रो पड़े, या अल्लाह आप तो वैसे भी बख्श सकते हैं इनको, तो फरमाया नहीं ये तुम्हारी उम्मत के लिए नहीं है, ये कौन सी उम्मत के लिए है, उम्मत मोहम्मद या, कि ये माफी गुनाह करके माफी मांगेंगे तो माफ किए जाएंगे, ये उम्मत के लिए। तो अल्लाह जालिम तो नहीं है, अल्लाह पाक नाइंसाफ तो नहीं है, तो इस उम्मत के लिए फिर इतनी इतने मराद क्यों है। हम तो 5 मिनट की नमाज पढ़ते हैं, बनी इसराइल के आबिद तो 100-100 साल तक अपनी इबादत घरों से निकलते नहीं थे बच्चों। हमारे लिए तो अल्लाह ने पूरी की पूरी जमीन को मस्जिद बना दिया, पूरी जमीन मस्जिद है हमारे लिए, हम कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं। उनको अपनी इबादत गाहों में जाकर नमाज पढ़नी पड़ती थी। हम तो फजर से लेकर मगरिब तक का रोजा रखते हैं, वो 24 घंटे का रोजा रखते थे। हम तो सदका एक दूसरे को देते हैं, वो सदके को लिदा के पहाड़ पे रखते थे, ऊपर से आग आके उसको जलाती थी तो सदका कबूल, नहीं तो पड़ा रहता था उधर। हम तो माले गनीमत जो है ना, जो जंगों में जो माले गनीमत हाथ आता है, हम वो भी बांट सकते हैं दूसरे को, वो नहीं बांट सकते थे। उनको ले जाके उसको पहाड़ पे रखना पड़ता था, वो आग आके जला के उसको सबको ले जाते। तो ये मराद इस उम्मत को क्यों मिली नहीं? और एक तो सबसे बड़ी वजह यह है कि हम अल्लाह के हबीब की उम्मत हैं। हम किसकी उम्मत हैं? अल्लाह के हबीब। दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि अल्लाह ने हमें सारी की सारी इंसानियत के नफे के लिए दुनिया में भेजा है। हमारे दुनिया में भेजे जाने का ये मकसद है, और जब चीज मकसद पे नहीं होती तो सुखी नहीं होती, चीज मकसद पे नहीं होती। यही वजह है कि जैसे मेरे भाई फरमा रहे थे कि मैं गाया करता था और मेरी जिंदगी कुछ और थी, तो सारी जिंदगी का माल तो मुझे मिला हुआ था, दौलत तो मुझे मिली हुई थी, वो सब कुछ तो था मेरे पास, लेकिन क्या नहीं था, सुकून नहीं था। क्यों? मकसद से हटा हुआ था। दुनिया की सारी दौलत भी अगर मिल जाती तो क्योंकि मैं मकसद पे नहीं था, मुझे सुकून चैन इत्मीनान नहीं था। मैं मौलिकार जमीन साहब से जब मेरी पहली मुलाकात हुई तो मैंने ये बात कही उनको, मैंने कहा मेरे पास दुनिया की दौलत शोहरत नाम सब कुछ है मौलाना, मुझे सिर्फ इतना बताएं कि मेरे पास सुकून चैन इत्मीनान क्यों है। अगर चाहो तो यहां से हटा दो तो ये बच्चे इधर बैठे, अगर क्या मुमकिन बेटा आप इसे एक दो पकड़ के इसको पीछे ले आओ, इसको टेबल को उठा के इधर ले आओ, ये टेबल को उठा के ताकि यहां पर भी बैठ जाओ, इसको उधर ले जाओ, शाबाश आ जाओ, इजी हो जाओ, गरीब आ जाओ, ताकि आप भी आगे आ जाओ, ताकि पीछे वाले भी अगर चाहे तो आगे आ जाओ, आराम से बैठ जाओ, इजी हो जाओ। बस अब आप लोग भी थोड़ी सी गुफ्तगू शनिद हाँ थोड़ी कम रखना हो ताकि ये बच्चे हमारी बात सुन सके। क्या बात कर रहा था? हाँ, मोनितारे जमीन साहब। तो मोनितारे जमीन साहब को मैंने ये बात कही कि मानो मैं क्या हो जाए। तो मोनि साहब ने मुझसे कहा तू मकसद से हटा हुआ है। आज भी मुझे माना की बात याद आती है, तू मकसद से हटा हुआ।
अब वो मुझे कह रहे कि मैं मकसद से हटाओ। तो मकसद से मैं कैसे हटाऊ? जिस माल की जरूरत है लोगों को सक्सेस का क्राइटेरियन बनाने के लिए, वो माल तो है मेरे पास, फिर मैं कैसे मकसद से हटाऊ? जिस शोहरत की तमन्ना करता है हर आदमी, वो वाफर मिकदार में मेरे पास है, तो फिर मैं कैसे मकसद से हटाऊ? शोहरत भी है, दौलत भी है, औलाद भी है, मोहब्बत करने वाली बीवी भी है, घर भी है, बंगला भी है। मेरी छोटी सी उम्र थी उस वक्त, मतलब नॉट छोटी फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू बट कंपैरेटिवली 28-29, मतलब इतनी जल्दी सक्सेस इतनी ज्यादा मिल गई थी। और जैसे भाई फरमा रहे थे, मुझे तो सिर्फ एक फोन ही करना होता था कि किसी भी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं, तो उतनी ही आवभगत होती थी जितनी वो किसी के लिए भी करेगा। बल्कि मुझे यहां तक याद है कि कई प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स ने मुझे बुलाया था प्रोग्राम्स के लिए, मैं उनके प्रोग्राम्स में नहीं गया कि हम वहां हैं और वहां हैं। पर एक ने तो इतना इसरार किया, इतना इसरार किया कि मुझे आज तक याद है कि 14th को, मतलब 14th अगस्त को स्पेशल एयरक्राफ्ट के अंदर हम, मैं रोहित शहजाद, हम न्यूयॉर्क से कराची पहुंचे, फिर प्रोग्राम किया, सुबह शाम को प्रोग्राम किया, शाम को प्रोग्राम करके दो घंटे के बाद जहाज पर बैठ के फिर न्यूयॉर्क चले गए, वॉशिंगटन गए, वहां जाकर प्रोग्राम किया, फिर अगले दिन वहां से बैठ कर फिर हम आए कराची में प्रोग्राम किया, फिर कराची में दोबारा उसी रात बैठ कर शिकागो चले गए, वहां प्रोग्राम किया। तो मेरा मतलब है कि तो हम तो वर्ल्ड वाज एट आवर फीट, दुनिया ने हमारे कदमों में थी अपेरेंटली। तो ये क्या बात कर रहे हैं कि मैं मकसद से हटा हुआ? इतना एक आदमी जो कि 4 साल की उम्र से लेकर 40 साल तक के आदमी को नचवा सके, उसके पास कुछ तो दिमाग होगा ना, क्यों जी? जो इतनी बड़ी पब्लिक को बेवकूफ बनाए वो कुछ तो अकल रखता होगा। तो ये वो क्या कह रहे हैं, मकसद से हटे हुए। तो मैंने कहा जी मैं आपकी बात का मतलब सही समझ, और मैं एकदम से ना झटका लगा कि आदमी क्या बात कर। तो कहने लगे बात यह है कि तुम्हें चोट लगी है सीधे घुटने पर और तुम मरम लगा रहे हो उसके उल्टे घुटने पर। ये किस्सा मैं कई दफा सुना चुका। मैंने कहा मरम क्या मतलब? फरमाने लगे देखो बात यह है कि अल्लाह ने इंसान को दो चीजों से बनाया। पहली क्या है? पहले है कि जिस्म, इसको अल्लाह ने मट्टी से बनाया, तो इसकी तमाम जरूरतों को अल्लाह ने मट्टी में रखा। जो पानी हम पीते हैं, खाना हम खाते हैं, कपड़े हम पहनते हैं, घर हम बनाते हैं, हमारे अपने रिश्तेदार भाई बहन अजीज और अकरबा, अल्लाह ने इन तमाम को मट्टी से बनाया। एक दिन इन सब के साथ हम मट्टी होकर मट्टी में मिल जाएंगे। रूह अल्लाह का अमर है, ये आसमानों से आई है। रूह अल्लाह का अमर है, ये आसमानों से आई है, तो इसकी खुराक भी आसमानों पर है, जमीन में नहीं है। मैंने कहा जी क्या मतलब? कहते हैं बताता हूं। फरमाने लगे अगर मैं तुम्हें एक सोने के महल में 4 दिन तक रखूं और खाने को कुछ न दूं तो तुम क्या कहोगे? मैंने कहा मौलाना जी कहूंगा कि मुझे यहां से बाहर निकाल के दो रोटी दे दो। कहा बस यही तेरी रूह का हाल है, तूने इसको सोने में लपेटा हुआ है, बड़े बड़े घरों में लपेटा हुआ है, खूबसूरत कपड़ों में लपेटा हुआ है, माल दौलत में लपेटा हुआ है तूने इस रूह को, और इसको जो जिस चीज की जरूरत है वो तू इसको नहीं दे रहा। फिर फरमाने लगे दिल के सुकून चैन और इत्मीनान का ताल्लुक रूह से है, जिस्म से नहीं। ओ तो मैंने कहा मौलाना फिर इसकी रूह की गिजा क्या है? मैं तो समझता हूं रूह की गिजा क्या है? मौसीकी। मौसीकी क्या है जी? रूह की गिजा। ये आवाज आई लड़कियों लड़कों से है, लेकिन मेरा ये तजर्बा है कि म्यूजिक सुनती ज्यादा लड़कियां हैं। और अभी जब मैं तुम लोगों से ये कहूंगा कि तुम में से कौन कौन तौबा करता है इस म्यूजिक को छोड़ने के लिए, तो हाथ भी तुम ही लोग उठाओगे, यहां से मुश्किल से कोई हाथ उठेगा। हाँ ये मैं आपको अपना तजर्बा बता रहा हूं।
एंड आई वुड होप दैट टुडे आई एम प्रूव्ड रॉन्ग, कि आज यहां से भी उतर ही हाथ उठे, कौन कौन छोड़ेगा बताओ, तुम बताओ भाई कौन कौन छोड़ेगा. Some things will never change. नहीं मेरी दुआ है नहीं तो जिस रूहानियत को मैं आप लोगों के सीने में उतार में आया हूं ये नहीं उतरेगी. दूध के अंदर गटर के कुछ गटर की पानी के कुछ कतरे डालो तो पी सकते हो उसको, पी सकते. इसी तरह ये दिल अल्लाह का घर है. ये दिल क्या है? अल्लाह का घर. और यहां पर खैर की बात उस वक्त तक नहीं घुस सकती जब तक इसको साफ नहीं करते. मेहमान को बुलाते हैं तो क्या करते हैं? कमरे को साफ करते हैं, खुशबू डालते हैं. अल्लाह से बड़ा मेहमान हो सकता है? तो इस ताफुन भरे हुए कमरे में जिसमें अल्लाह के अलावा 85 मोहब्बतें हैं, हम कहें कि अल्लाह भी आ जाए? नहीं आ सकता. इसीलिए अल्लाह पाक फरमाते हैं, मेरे बंदों में इस पूरी कायनात में कहीं नहीं समा सकता, मैं इस कायनात में कहीं नहीं समा सकता, समा सकता हूं सिर्फ तेरे दिल में समा सकता. वाह क्या बात है मेरे. ये इज्जत दी उसने आपको. जी नेकी होती है ना, नेकी खैर जो होती है, खैर वो एक हयादार औरत की तरह होती है. एक हयादार औरत देखिए, तुम हयादार हयादार औरत देख नहीं सकते. देखिए हयादार औरत तो देख ही नहीं सकते भाई. नेकी होती है हयादार औरत की तरह. वो पहले अपने शौहर के दिल में अपनी जगह देखती है, फिर आके उसके सीने से लगती है, वरना नहीं आती. हाँ. और बुराई एक बेबाक औरत की तरह होती है. वो तो ये भी नहीं देखती सामने वाला कौन है. हाँ, डायरेक्ट छलांग लगाती है. तो दिल को पाक करना होगा. तो अल्लाह से ज्यादा कोई हयादार है क्या? तो उसकी मखलूक में इतनी हया है कि वो तेरी बीवी होकर तेरे दिल में जगह नहीं देती, तो तेरे सीने से लगती नहीं आता. लेकिन यही बीवी दरअसल सीने से लगना चाहती है. यही बीवी दरअसल सीने से लगना चाहती है, लेकिन चाहती है थोड़ा मनाए उसको, थोड़ा प्यार करें, समझाएं उसको, चल यार गलती हुई माफ करते, आज के बाद कभी किस सामने वाली को नहीं देखूंगा. मैं तो अपनी बीवी को बार बार कहता हूं कि मेरे नजदीक तेरे से ज्यादा तो खूबसूरत है ही नहीं, और मैं ये जानता हूं कि वो जानती है तो मैं झूठ बोल रहा हूं. लेकिन वो इस बात को भी मान लेती है, मान लेती कि चलो झूठ ही सही, मुंह से तो कह रहा है कम से. तो सोचो ये मखलूक जिस ये तो मखलूक है, बंदी है अल्लाह की, इसके और अल्लाह के दरमियान क्या मुआजना हो सकता है? कोई नहीं हो सकता. तो अल्लाह कितनी हया वाले हैं. बेहयाई एक ऐसा गुनाह है जिसका सबबे बाप अल्लाह पाक खुद फरमाते हैं. अल्लाह बचा. बेहयाई एक ऐसा गुनाह है जिसका सदबाब अल्लाह खुद फरमाते हैं, अल्लाह हम सब की हिफाजत करे. कौम लूत जो थी ना, 5 अजाब भेजे अल्लाह ने उस कौम पर, बाकी कौमों को तो फरिश्ते को भेज दिया उसने जाकर चीख मार दी किसी ने, उधर हवाओं को भेज दिया, ठीक है ना, कौम आद पे हवा भेज दी, कौम समूद पे चीख आ गई, कौम शुएब पर गर्मी का अजाब आ गया. लेकिन कौमिलूत बेहया कौन थी, 5 अजाब एक ही बात गुजरे अल्लाह के उस कौम पर आए, वन आफ्टर द अदर, एकदम चेन रिएक्शन. पहले तो सुबह उठे तो सब अंधा कर दिया, फिर जुबराइल को भेजा, उन्होंने पर मारा जमीन के नीचे, उस सोडोम और गोमोरा को, दो शहर थे उनके, यूं करके उनको उठा लिया, यूं करके नीचे से पर मार गए, वो खेड़ के पूरी जमीन को बाहर निकाल दिया.
वो जो जमीन को बाहर निकाला तो वहां पर गर्म गर्म पानी आ गया जमीन से, वो जिस जगह उखड़ी उसको ले गए वो आसमान पर, पहली आसमान तक ले गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया इतना ऊपर ले गए जिब्राइल उस जमीन के टुकड़े को कि पहली आसमान के फरिश्तों ने उनके जानवरों की आवाजें तक सुन ली और वहां से ले जाके तुम उनको नीचे फेंका। वो अब वो नीचे आ रहे हैं, जिस वक्त वो नीचे आ रहे हैं तो ऊपर से ये जमीन का जो टुकड़ा था इसको मारा उनके सरों पर, और फिर हुई ऊपर से पत्थरों की बारिश और नीचे से जमीन को अल्लाह ने ऐसे हिला दिया। पांच अजाब भेजे उस कौम, बेहया इतना बुरा अजाब, क्योंकि अल्लाह हयादार है ना, अल्लाह अल्लाह पाक को जलाल आ जाता है बेहयाई नीचे देखकर, इसलिए इस एक चीज से बचना मेरे दोस्त, ठीक है। खैर बात में क्या कर रहा था कि बुराई जो है वो बेबाक होती है। यही वजह है कि दिल को बनाने में टाइम लगता है और बिगाड़ने में एक सेकंड लगता है, बनाने में टाइम लगता है, बीवी को मनाने में टाइम लगता है, नाराज तो एक सेकंड हो जाती है। हाँ जी अभी गुजरोगे तुम इस तजर्बे से। वो किसी ने मुझे एक अजीब वसे जहन में आया, किसी ने मुझे एक SMS भेजा कि सदका दफे बला है, सदका सदके से हर बला खत्म हो जाती है मां सिवाय उसके जो आपके निकाह में आई हो। मेरी बीवी को पता तो चल जाए मैं क्या बातें कर रहा हूं। तो दिल दिल की इसकी सफाई काम है तेरा और मेरा। मौलवी साहब कहने लगे मौसीकी रूह की गिजा नहीं है, मौसीकी नफ्स की गिजा है। मौसीकी किसकी गिजा है? नफ्स की। इससे नफ्स मोटा होकर अल्लाह की टोटल नाफरमानी पर आ जाता है, क्योंकि मैं उस 5 साल के ट्रांजिशनल पीरियड से गुजरा जो एक ट्रांजिशनल पीरियड था जिसमें के कभी दिल करे छोड़ू कभी दिल करे ना छोड़ू, तो वो जो ना छोड़ू वाली जो कैफियत आती थी ना, अब चिल्ले पर निकले ईमान बना थोड़ा यकीन बना उस पर थोड़ी मेहनत हुई अल्लाह की बात सुनी अल्लाह से ताल्लुक रखा, अब दिल नहीं कर पाता स्टेज पर जाने को। लेकिन क्योंकि उस वक्त जाहिर सी बात है मैं कोई इनकम का कोई जरिया नहीं था और माश की तकलीफ थी तो चले जाते थे स्टेज पर। स्टेज पर गए 5 मिनट खड़े हुए पहले गाने के बाद जितना कमाया था सब साफ हो गया, क्योंकि शैतान ने अल्लाह से पूछा ए अल्लाह तेरा मनादी है ये मौज़िन, मेरा मनादी कौन है? हदीस में आता है अल्लाह पाक ने फरमाया ये गाने वाला ये तेरा मनादी है। हाँ अब इस बात को समझो, मैंने इस माना से पूछा माना क्या मतलब है इस बात का, तो समझाया देखो मौज़िन जो है जब अजान देता है तो मकसद अजान नहीं है, मकसद उसके बाद इतनी बड़ी नेकी को खड़ा कराना है जिसको नमाज कहते हैं। इसी तरीके से जब गाना गाने वाला गाता है तो गाना मकसद नहीं है, जो हम कहते हैं ना जी गाना सुनने से क्या होगा, तो वाकई गाना सुनने से अपेरेंटली तो कुछ भी नहीं हो रहा, ये नजर नहीं आ रहा, लेकिन उसका मकसद आपको गाना सुनवाना नहीं है बल्कि उस गाने के बाद वो गुनाह खड़ा करवाना है जिसके को करने के लिए आप गाने के बाद तैयार हो जाएंगे। जैसे हमारी इस शोबिज की जिंदगी के अंदर है आपको नजर आएगा बेहयाई अपने उरूज पर होती है, ड्रग्स शराब ये सब कुछ जो था ये अपने उरूज पे था। और ये मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूं कि मैं समझता हूं कि मैं बड़ा खुशकिस्मत था अल्लाह ने मुझे ऐसी बीवी दी कि वो मैं जो एक औरत के अंदर चाहता था वो सब कुछ उसमें मौजूद था और उसने अपने आप को मोल्ड कर लिया मेरी खुशी के मुताबिक, तो मेरी नजर नहीं जाती थी किसी दूसरी औरत की तरह। नंबर एक। नंबर दो, उसने मेरे से शादी के शुरू में कुछ कसमें ले ली थी कि देखिए मैं आपके लिए सब कुछ कर लूंगी, जो मैं एक काम आपने नहीं करना वो ये कि आपने शराब को हाथ नहीं लगाना, आपने ड्रग्स को हाथ नहीं लगाना। तो मैंने कहा यार चलो ये अगर मेरे लिए सभी कुछ करने को तैयार है तो चलो मैं इसके लिए इतना कर लेता हूं। तो वो दो चीजें जो इंसान को तबाह बर्बाद कर देती है बफजल ही ताला शोबिज के उस दौर के अंदर अल्लाह ने मुझे उन दो चीजों से बचा के रखा हुआ, शायद इसलिए मैं आने वाले वक्तों के अंदर भी बच गया।
वरना मेरे दोस्तों ये दो चीजें अपने ये दो चीजें ऐसी हैं, ये दो चीजें ऐसी कि इस लाइन का आदमी इनसे नहीं बच सकता। जैसे जैसे हम ये कहते हैं शुएब मंसूर से मेरा क्या झगड़ा होता था, ये झगड़ा था मेरा उनसे, वो मुझसे कहते थे गाने वाला अजान क्यों नहीं दे सकता। मैंने कहा सर ये आप एग्जैक्टली वो बात कर रहे हैं कि अगर किसी के ऊपर पानी फेंका जाए वो कहे यार देखो मेरे पर पानी फेंको लेकिन मुझे गीला ना करना। ये नहीं हो सकता सर, ये दो मुख्तलिफ चीजें, तौफीक ही नहीं मिलती अल्लाह की तरफ से। गाइस आपको आइडिया नहीं होगा, मैं कुरान में स्कूल में कुरान का कारी था, मैं स्कूल में कुरान का कारी था। जब मैं फिफ्थ क्लास को पहुंचा तो हमारा ट्वेल्थ ग्रेड तक के हमारा मुकाबला हुआ, उसमें मेरी सेकंड पोजीशन आई। मैं कुरान पढ़ता था, टेंथ तक जिरत करता रहा, कुरान का कारी था। लेकिन मुझे तो मेरे को खानदान में कोई नहीं गाता था, ये किरत कर करके मेरा गला बन गया। 10-12 साल मैंने किरत की तो मेरा गला खुद बहुत बन गया। तो जब मैं गाता था ना तो ये बड़े बड़े उस्ताद मेरे से पूछते थे बेटा तुमने कहां रियाजत की है। मैंने तो कभी जरूरी नहीं, कहते नहीं ये हो ही नहीं सकता, तुम्हारा बना हुआ गला है, तुमने जरूर कहीं रियाजत की है। मुझे भी नहीं पता था कि ये 12 साल की कुरान की किरत है जिसकी वजह से मेरा गला बना गया और मैं गा सकता हूं, वरना मेरी फैमिली में तो कभी किसी ने नहीं गाया। सही सुर में गाना, सही सुर में किरत करना, अल्फाज की अदायगी जितनी इकारी करता है तो दूसरा कोई भी नहीं कर सकता, वो हम सीख है। लेकिन जैसे ही म्यूजिक में आए 16 साल में मुझे याद नहीं, 16 सालों का मेरा म्यूजिकल करियर था, मुझे कभी याद नहीं कि मैंने कुरान खोल के किरत की हो, मुझे कभी नहीं याद कि मैंने मस्जिद में जाकर कभी अजान दी हो। तो मैं यही उनसे कहता था सर 16 मेरे से ज्यादा तो कोई कुरान नहीं जानता ना शोबिज के अंदर, अरे कुरान पढ़ता भी था सब कुछ। सर नहीं दिल करता, बल्कि जब अजान की आवाज आती है तो वहशत होती थी कि कोई चुप कराए इस मस्जिद को। हाँ, क्योंकि ये तो हक की दावत है और दावत तामा है, कंप्लीट दावत है अल्लाह तुम्हारा है, दावत तामा है अल्लाह हमारा हाजिर है, दावत तामा ऐ अल्लाह ये जो मुकम्मल दावत है ना अजान की, हाँ, इसके सब के हमारे नबी को वसीले पे जगह वसीले में जगह आता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे ये फरमाया, हमसे ये नहीं फरमाया कि नमाज के बाद मेरे ऊपर ये दुरूद भेजो, हज करने के बाद मुझ पर ये दुरूद भेजो और रोजा रखने के बाद मुझ पर ये दुरूद भेजो। नहीं, जब तुम लोग दावत दो ना, दावत और मुकम्मल दावत है अजान, मेरी उम्मत अजान के बाद ये दुरूद मुझ पर भेजना, कि ये हो नहीं सकता कि मुसलमान दावत देने के बाद दुआ करे वो कबूल ना हो। तो यहां हमसे कहा गया मेरे पर दुरूद भेजो, इतना बड़ा अमल है दावत का। तो मैंने कहा सर 16 साल मैंने कभी अजान नहीं, अजान की आवाज दिल के थ्रू गुजरती तो इस मस्जिद को चुप कराया था कि मैं वो जो ही काम मैं कर रहा हूं अपना गाने बजाने का वो अपना दोबारा शुरू कर, रोकना पड़ता था पाकिस्तान में, रोकेंगे नहीं तो लोग मारेंगे, वरना अपने बस में होते तो कभी भी ना रोकते और म्यूजिक ऊंची कर देते इसकी आवाज कानों में ना पड़े। क्योंकि दावत का बोल है, दावत का बोल अजान जैसी होती है, शैतान भागता है दूर तक भागता है, क्योंकि शैतान खुद भी एक दाई है, वो गुनाह का दाई है। लेकिन जब खैर की दावत होती है तो दौड़ लगाता है दूर तक, वहां तक जाता है जहां तक अजान की उसको आवाज ना आए। लेकिन जैसी अजान खत्म होती है वापस आकर नमाजियों के बीच में खड़ा हो जाता है, हालांकि नमाज मकसद नहीं है, मकसद क्या है अजान मकसद नहीं, मकसद क्या है नमाज मकसद है, उसमें आके बीच में खड़ा हो जाता है। तो आप जब ये मैंने मौली तारिक जमील साहब से बातें सुनी ना, ये सारी डिस्कशन मेरी उनकी हो रही, फिर आखिर में उन्होंने मुझे कहा देखो अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह तत्मईन्नुल क़ुलूब, दिलों का सुकून चैन इत्मीनान दो अल्लाह से यारी लगाने। बस ये वो जुमले थे कि जब मौलवी साहब ने ये कुरान की आयत पढ़ी तो मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने सीने में नेजा मार दिया, ऐसे मैंने कहा यार अंधेरा आ गया मेरी आंखों के सामने, पूरी जिंदगी वेस्ट हो गई,
मैं तो अपने आप को एक बड़ा सक्सेसफुल आदमी समझ रहा था, तो मैं बिल्कुल टूट के उनके सामने गिर के ना खामोश होके बैठ गया। उन्होंने मुझसे पूछा क्या हो गया, मैंने कहा मौलाना पूरी जिंदगी जया हो गई, अब क्या करूंगा, अब बिल्कुल जया नहीं हुई। मैंने कहा कैसे, अभी आप फरमा रहे हैं ये, कहा नहीं इस वक्त तौबा की नीयत कर लो, इस वक्त किसकी नीयत कर लो, तौबा की नीयत कर लो, इस वक्त अल्लाह से कह दो या अल्लाह पिछली पूरी जिंदगी माफ कर दे, वो माफ कर देंगे। अच्छा, हम न सिर्फ ये कि माफ करेंगे बल्कि गुनाहों को नेकी में बदल देंगे, गुनाहों को नेकी में बदल देंगे। तो मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मुझे कुछ मल्टी वाइटमिन का इंजेक्शन लगा दिया। अच्छा मान, कहा तुम जमीन और आसमान को भर दो गुनाहों से अपने, एक बार बोलो या अल्लाह मुझे माफ कर दे, न सिर्फ ये कि माफ कर देगा बल्कि गुनाहों को नेकियों में बदल देगा। और फिर एक पॉइंट आती है कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मेरे बंदे चल तू माफी मांग, हम माफ करते हैं, देखते हैं पहले कौन थकता है। तू माफी मांग मांग के थक जाएगा, हम माफ करके नहीं थकेंगे। अल्लाह को हम क्या अपने जैसों की तरह लेते हैं, अल्लाह पाक तासरात से पाक है। अल्लाह पाक ये नहीं कहते अभी पहले मांगी थी फिर आ गया, अल्लाह पाक ऐसे नहीं करते। मां भी 6-8-10 दफा माफी मांगने के बाद कहती दफा हो जाने, करीब की शक्ल ना देखा मुझे, क्योंकि मां भी मखलूक के बाहर हाल तासर लेती है। अल्लाह तासरात से पाक है, शैतान को पता थी ये बात। तो जब अल्लाह ने कहा निकल जाए यहां से दफा हो जा, तो जाते जाते अल्लाह के सामने 10 दुआएं मांगी इस खबीस ने, 10 दुआएं अल्लाह ने सारी दुआएं इसकी कबूल कर ली। तो जिस रब ने शैतान की दुआओं को कबूल किया जबकि उसको हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह ने मलून कर दिया, उस खबीस की दुआएं अल्लाह ने 10 जब उसको निकाल रहे हैं तो कबूल कर ली, तो हम तो बहरहाल मुसलमान हैं। तो जब हम अल्लाह से माफी मांगी है तो अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल नहीं करेंगे। और इंसान की फितरत है, इंसान एहसान मानता है, इंसान क्या करता है एहसान मानता है। हम फितरतन जो हम पर एहसान करता है उसका एहसान मानते हैं। तो अल्लाह पाक अंबिया से फरमाते हैं, पूरा कुरान मैंने जैसे कहा ना, तौहीद रिसालत और आखरत, तौहीद रिसालत और आखरत, ये तीन चीजें कुरान में। तो जब अल्लाह पाक फरमाते हैं इनमें मुझे बयान करें आप, इनको बताएं मैं कौन हूं, जब ये मेरी बातें सुनेंगे, मेरे एहसानात अपने ऊपर सुनेंगे, तो फिर ये मेरी बात मानेंगे, क्योंकि मैंने इनकी फितरत में डाला कि ये अपने मोहसिन के एहसान को मानता है। अब हम क्योंकि अल्लाह की बात सुनते नहीं, जैसे आप जब यहां से फारिग होंगे आप अपने टीचर्स को याद रखेंगे, जो आप में से अपने टीचर्स को याद रखेगा हम उसको इंसान कहेंगे, जो अपने टीचर्स को याद नहीं रखेगा उनके एहसान को नहीं मानेंगे, आप ही लोग मिलकर उसको जानवर कहेंगे, ये जानवर है यार छोड़ो, ये बहुत एहसान फरामोश इंसान है। एहसान फरामोश इंसान को तो इंसान इंसान भी नहीं कहता, आम लोग भी उसको इंसान नहीं समझते, एहसान फरामोश है। तो वो टीचर तो आपको कोई नफा नहीं दे रहा, लेकिन वो 4 साल जो उसने आपके साथ यहां गुजारे उनका एहसान आप सारी जिंदगी मानेंगे, 20 साल बीमार बाद भी अपने जब उस्ताद से मिलेंगे ऐसे झुक के मिलेंगे, चाहे उस वक्त आप कितनी बड़ी पोजीशन भी क्यों ना हो, बच्चे को बताएंगे बेटा ये मेरे उस्ताद थे, बेटा इनकी इज्जत करो सलाम करवा, ये क्यों कह रहे हैं आप। फितरतन एहसान मानना आपकी जात का हिस्सा है। तो अल्लाह पाक हमारे नबी से कह रहे हैं इनके ऊपर मेरे एहसानात गिनवाओ ताकि ये मेरा एहसान माने, जब मेरा एहसान मानेंगे तो मेरी बात भी मानेंगे, नहीं तो मेरी बात नहीं मानेंगे। जब ये मेरी बात मानेंगे तो इनको बताओ फिर मैं इनकी जिंदगी बनाऊंगा। तो या अल्लाह आपकी बात मानने का मतलब क्या है, मैं आपकी बात मानना चाहता हूं या अल्लाह कैसे मानूं, तो फरमाया ये मेरे नबी की जिंदगी है, लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाही उसवतुन हसना, चलो भाई मेरी बात मानना चाहते हो ये मेरे नबी की जिंदगी, चलो भाई इस जिंदगी पर चलो, तुम्हारे लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हमने एक बेहतरीन नमूना रखा। अल्लाह की बात मानने का मतलब है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानना। दो चीजें आपने कुरान में अक्सर पढ़ी होंगी, वअतीउल्लाह वअतीउर रसूल,
कभी कुरान में अकेले नहीं आया वह अतीउल्लाह, हमेशा वह अतीउर रसूल के साथ आया। वह अतीउर रसूल अकेले जरूर आया, वह अतीउर रसूल अल्लाह ने अकेले जरूर लिखा, लेकिन कभी अपनी जात के बारे में नहीं लिखा वह अतीउल्लाह, अल्लाह की मानो, हमेशा साथ में लिखा वह अतीउर रसूल, ताकि हमें पता चल जाए कि नबी की माने बगैर अल्लाह की मानने का कोई तसव्वुर नहीं है। नबी की माने बगैर अल्लाह को मानने का कोई तसव्वुर नहीं है। मैं भी आप लोगों को मौका दूंगा, आप लोग मेरे से कुछ सवाल भी करना। मैं बस टाइम कितना, देखो ना जैसे अभी बज रहे हैं 12, बात सुनने तक का टाइम कितना टाइम है हमारे पास, ये इस ऑडिटोरियम में कितने बजे तक है हमारे साथ? हाँ जी 2:30 तक ऑडिटोरियम में है, अभी 2.5 घंटे और क्या बज रहे हैं? नहीं, इतना मेरा आप लोगों को पीने का प्रोग्राम नहीं है। मैं आधे घंटे और बात करूंगा आपसे, उसके बाद आप लोग चाहो तो कुछ सवाल करना, सवाल जवाब लंबे हो गए, आप लोग भी बैठे रहेंगे तो मैं भी थोड़ी देर बैठा रहूंगा, लेकिन बेफिक्र रहो 2:30 बजे तक नहीं रोकूंगा, उससे पहले पहले खा लेते, ठीक है? तो नबी की माने बगैर अल्लाह की अतात का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बात आप मेरी याद रखें। ये बात है कि सर पर टोपी रखते हैं, ये वजह है कि सर पर टोपी रखते हैं, नबी ने रखी थी, क्यों रखी थी? इस सवाल का जवाब अगर तुमने ये इन सवालों के पीछे तुम जवाब इनके जवाब ढूंढने के पीछे तुम पड़ गए तो तुम्हें पूरी 500 साल की उम्र चाहिए। रसूलुल्लाह ने यूं क्यों किया था, यूं क्यों किया, फिर यूं क्यों था? अब अल्लाह और उसके नबी की जो हिकमतें हैं उनके पीछे तुम लोग लॉजिक तलाश करना शुरू कर दो, तुम लोग इसी की लॉजिक लगा के मुझे दे दो कि 2+2=4 क्यों है, ये नहीं दे सकते। जब तक कंप्यूटर इस बात को बगैर चूचरा के नहीं मानेगा वो आगे चल ही नहीं सकता, ये बात तो उसको माननी पड़ेगी, ये बात उसको माननी पड़ेगी। बस ये एक उसूल है, अगर इस उसूल पे तो नहीं चलेगा तो आगे इतने पड़े पड़े काम तो कर ही नहीं सकता। x²-y²=2 ये उसूल जब तक नहीं चलेगा, ये जब तक नहीं चलेगा अलजेब्रा आगे नहीं चल सकता, ये तो माननी पड़ेगी, पोस्टुलेट्स हैं ये थ्योरम्स क्यों मानते हैं, ये तो मानने पड़ेंगे। ये चीजें तो माननी पड़ेंगी। अब इनमें जब तुम अगर तुम इनमें घुस गए, मेरे साथ 2 साल पहले एक साहब ने हज किया, एक आर्किटेक्ट थे, ये बात मैंने उससे सीखी, और तारे जमीन साहब का रोजाना बयान होता था हमारे हज पर, 300-350 लोग हमारे साथ होते थे। मैं जो खड़े होकर पानी पी रहा हूं तो क्योंकि मैं खड़ा हुआ हूं और ऐसी सिचुएशन नहीं है कि मैं बैठूं इसलिए पी रहा हूं, लेकिन अल्लाह के नबी ने पिया जरूर था खड़े होकर पानी, इसमें गुंजाइश जरूर निकल दिए, लेकिन बैठ के पीना आपकी सुन्नत है, ठीक है ना? तो बैठ के पीना है, और कौन कौन सी चीजों का ख्याल रखना है, बिस्मिल्लाह पढ़ के दाएं हाथ से पानी को देखकर 3 घूंट में और आखिर में क्या अल्हम्दुलिल्लाह, कौन सी भूल गया तो चलो एक खड़ा होकर 6 इसकी सुन्नतें दिलवा दे, कौन सी? चलो बात करते करते ये भी जरा, हाँ बेटा पढ़ पढ़ता हूँ, अगर नहीं होने काबे की तरफ काबे को ठीक करते हैं, इसको खुश रखे, 4 को पता चल रही है तो मेरा उसका मजाक है, तुम्हें उस पर हंसने की इजाजत नहीं है, वो तो छोटे भाई की तरह मेरे। बिस्मिल्लाह, ठीक है, दाएं हाथ से पानी को देखकर, ठीक है, और बैठकर पीना, 3 सांसों में पीना और आखिर में क्या कहना, ठीक है? तो इसका ख्याल रखना है सब में। तो क्या बात कर रहे हैं, आर्किटेक्ट एक मेरे साथ हज पे, तो मणिदार जमीन साहब रोज बयान करते थे, बयान 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 बयान, आखिर दिन कहने लगे आज मैं बयान नहीं करूंगा, आज मैं
बयान नहीं करूंगा, आज मैं आपसे पूछूंगा आप लोगों को क्या मिला इस हज पर आखिरी दिन के पर। तो किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, ठीक है। अब वो कहते हैं ना कि